ये कहते हैं रेहू मछली है और ये तालाब का खुद का है। वाह जी वाह। ये अभी हम लोग तो दे रहे हैं बहुत कम प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस तो दे रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस? हाँ। अरे भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? यहाँ तो लोग सारा काट लगाए हुए हैं कमाने के लिए, आप बोल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस? हम भी आए हैं कमाने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद। नमक ये है, नमक है, मिर्चा पाउडर है। सो गाइस हम आज आ चुके हैं पटना के मरीन ड्राइव में, और चलते चलते हमें आज कुछ बहुत ही बढ़िया चीज मिली। मतलब हमने देखा कि हमारे पटना के मरीन ड्राइव के पीछे जो है ना वो है क्या, तो भाई अपनी गंगा नदी। और गंगा नदी से बाहर निकाल करके हमने आप लोगों के ला दिए क्या, तो भाई ये है एकदम ताजा ताजा मछली। इन सारी मछलियों के साथ क्या होने वाला है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, तो भाई लिट्टी भरा जा रहा है सत्तू के साथ। काली मिर्च है, आधी लहसुन का पेस्ट है, मिर्चा का पाउडर है, अच्छा नमक है, और नमक अचार है। आए हाय हाय हाय, तो देख सकते हैं लिट्टी जो है। तो क्या करते हैं आप लोग, लिट्टी को सेकते हैं या छानते हैं? छानते हैं, छानी में लिट्टी रहती है। और ये कुछ इस तरीके से जो लिट्टी है यहाँ की, ये छनाती है तेल में, गर्मा गर्म तेल में अपनी लिट्टी की बॉल्स जो है वो जा रही है। ये ग्रेवी आ गया और इसी से बनाया, डिप करते हैं इसको, डालते तवे के ऊपर में, उसके बाद जो है चिकन को। ये भैया कड़वा तेल है, ठीक है, यहाँ पे आ गया कड़वा तेल जी, तवे के ऊपर में। देखा जाइए अपना तालाब का मछली है, मछली हाँ, अपना तालाब का मछली उठा के लेके आ गया। आप जाएगा, ये जाएगा कहाँ जाएगा? गर्म गर्म तेल के ऊपर चला गया है। तो लोग तो बोलते हैं कि मछली जल्दी आनी है, तो यहाँ पर मछली जल्दी आनी हो गई। फ्राई करने से तरीके से सर में तेल में, और फिर चक्के लोग करते हैं, फिर देखते हैं कि स्वाद जो कैसा मिलेगा। और भाई जो सुगंध की बात करेंगे ना, आए हाय 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 हाय, ये देख सकते हैं भाई अपनी जो लिट्टी है वो छन करके तैयार है, और उसकी कढ़ाई में जा रहा है अपना चिकन जो पीस है, चिकन लेग पीस जा रहा है भाई साहब। तो कैसे लेते हैं चिकन लेग पीस अंकल आप? मात्र 90 रुपए। 90 रुपए में एक पीस चिकन लेग पीस, और 2 लीटर मात्र चिकन लेग पीस अगर किसी को खाना होगा, मात्र चिकन टंगड़ी खाना होगा, लात खाना हो तो 60 रुपए में एक लात खिला देते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं भाई अपनी चिकन जो है वो फ्राई हो रही है अभी फिलहाल। तो देख सकते हैं अपनी जो मछली है वो बन करके तैयार हो चुकी है भाई। तो एक्सेस ऑयल जो है उसे टिश्यू से पोंछ तक दिया जा रहा है भाई। चलिए ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और ये गई अपनी मछली यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं इसमें, क्या डाल रहे हैं? ये है काला नमक भाई साहब अपना, वो उलट पुलट करके, जो कहते हैं ना कि भाई बेकन सन ऑयल को सीजनिंग करके ग्रिल करो, यहाँ पे फ्राई करने के बाद उसे सीजनिंग की जा रही है। ये क्या लेकर के आ गए आप? ये धनिया का चटनी है भैया। ये धनिया की चटनी जी, घर पे बनाते हैं इसे, खरीदते हैं? ये घर पे घर पे बनाया हुआ है धनिया, घर पे बनाया हुआ धनिया की चटनी हो गई, और ये काफी प्यारी प्रेजेंटेशन लग रही है। हमारे ठेला पर जो भी चीज है 90% अपना घर का है। तो भाई हमने अपनी मछली जो है ना वो लगवा ली है, तो फिलहाल वो उठाते ही मुंडी जो है इसकी वो टूट चुकी है, तो एक छोटा सा पीस जो है ना वो हम ट्राई करेंगे। ओहो, देख सकते हैं जो मीट है ना कितनी टेंडर हो रखी है। तो ये मछली की खासियत यही होती है कि जो इसके मीट होते हैं, वाइट मीट वाली मछलियाँ होती हैं ये, तो काफ़ी अच्छी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है अंदर से। अन्य जो हम लोग आप लोगों को दिखाते रहते हैं अक्सर मटन एंड चिकन, उनसे काफ़ी डिफरेंट स्वाद रहता है इसका। तो भाई हरी चटनी में प्यारे तरीके से उसे डुबोएंगे और लेंगे इसका स्वाद हम। फ्राइड मछली की क्या ही बात करें, और सबसे अच्छी बात जो है ना कि आप देख सकते हैं इसका जो काटा है वो आपको एकदम सेंटर में मिल रहा है, तो बहुत अच्छी मछली यूज़ की है उन्होंने। और खास करके लोग मछली खाने से इसलिए घबराते हैं कि बीच बीच में उन्हें कांटा पड़ जाता है, बट इस मछली में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और डिश किसी और लोकेशन पर। टिल देन फूडी समरिस्ता आप सभी को टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।